हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गौतम वाजपेयी ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे। एक बहुत ही लंबा ड्राइव है और हम जा रहे हैं नायगरा फॉल्स। सो आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जर्नी हमारे टाउन प्लेनविल मैसाचुसेट्स से नायगरा फॉल्स तक। अराउंड 470 माइल्स का सफ़र है, यानी कि 750 किलोमीटर, जो कि हम आज तय करेंगे। और जो रोड है यहाँ से लेके नायगरा फॉल्स तक, बहुत ब्यूटीफुल रोड है। तो हम आपको हमारी जर्नी और रोड दोनों के नज़ारे दिखाएंगे। क्या बोलती हो पल्लवी? तो अभी हम, जैसे गौतम ने बताया, वैसे हम नायगरा फॉल्स के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग टूर हमारा होने वाला है और बहुत ही अवेटिंग था ये ट्रिप। और आप भी हमारे वीडियो थ्रू नायगरा फॉल्स का मज़ा लीजिए। हाँ, और अगर आपको हमारी ये जर्नी नायगरा फॉल्स तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं नायगरा की तरफ, जैसे मैंने बताया। और ये जो हाईवे है, अभी हम जा रहे हैं इसको I-495 कहते हैं। आई यानी कि इंटरस्टेट। यहाँ US में हर हाईवे को यूजुअली आई से जोड़ा जाता है, या इंटरस्टेट जो हम जाते हैं। तो ये 495 है, इसके आगे जाके 20 माइल आगे जाके हम लोग I-90 पे कनेक्ट हो जाएंगे, I-90 वेस्ट, जो कि हमको लेके जाएगा सीधा नायगरा फॉल्स तक। और वो हाईवे बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लाइक 470 माइल्स का डिस्टेंस है, लाइक 470 माइल्स। तो लगभग 7 से 8 घंटे लग जाएंगे हमको इस सफ़र में। तो बहुत एक्साइटेड है नायगरा फॉल्स जाने के लिए। क्या बोल रहे हो पल्लवी? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अभी जैसे पैंडमिक के बाद हम बहुत दिन बाद ये लॉन्ग ट्रिप अभी कर रहे हैं नायगरा फॉल्स के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें और बहुत ही एंजॉय करेंगे आपके साथ। हम बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोज आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी एंजॉय कीजिए नायगरा फॉल्स। जी हाँ, नायगरा फॉल्स हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, अभी हम निकल के ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 आवर्स। और मैं चेक कर रहा हूँ कि हमने ऑलमोस्ट 100 माइल्स कवर कर लिया है। हालांकि अभी भी हम मैसाचुसेट्स में ही है, आप जैसे रोड पे देख रहे थे। अभी हम लोग हैं वेस्टर्न मैसाचुसेट्स में, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट के बहुत पास में है। ये एरिया जो वेस्टर्न मैसाचुसेट्स का है, बहुत ही पहाड़ वाला और जंगल वाला रास्ता है। तो आप रास्ते में देखते होगे, दोनों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ और जंगल ही दिखेगी। 6 घंटे का जर्नी बाकी है, ऑलमोस्ट 370 माइल्स बाकी है। तो चलिए हमारे साथ नायगरा फॉल्स तक। लगभग हम इस 100 माइल्स के सफ़र में बहुत सारे टोल बूथ्स क्रॉस कर चुके हैं। अभी आपने देखा जो रोड के ऊपर था, जी हाँ, वो टोल बूथ है। यहाँ पे टोल कैमरा के थ्रू स्कैन किया जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज हो जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं है तो आपके घर पे बेस्ड ऑन आपका नंबर प्लेट और एड्रेस, आपके घर पे टोल चार्ज का मेल आ जाता है, जो आपको भरना पड़ता है। तो हमको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा किसी टोल की वजह से, हम अपने स्पीड पे जाते रहेंगे और वो स्कैन होता रहेगा जहाँ कहीं भी टोल आएंगे और कार्ड को चार्ज होता रहेगा। अभी हम आ गए यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट में, और मैसाचुसेट से न्यूयॉर्क स्टेट एंटर होने के लिए लगभग हमें 2 आवर्स लगे। तो ऑलमोस्ट, मतलब 150 माइल हमने डिस्टेंस कवर किया है। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सनी डे है, तो अच्छा लग रहा है। और अगर रियल आपको US में एंजॉय ऐसे ट्रिप करना है तो आप हमेशा रोड ट्रिप से ही
ट्रैवल करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपने देखा और पल्लवी ने भी बताया, हम लोग न्यूयॉर्क एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क एक स्टेट भी है, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। न्यूयॉर्क एक स्टेट है, न्यूयॉर्क सिटी एक लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क स्टेट में। तो अभी हम जा रहे हैं अपस्टेट न्यूयॉर्क, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, बहुत खूबसूरत सीनरीज है और नायगरा फॉल्स अपस्टेट न्यूयॉर्क में आता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों की 2 आवर्स की है ड्राइव हो गई है, ऑलमोस्ट 150 से लेके 170 माइल्स के बीच में हम लोगों ने ट्रैवल किया है। तो अभी आगे देखते हैं, अगर हमको कहीं सर्विस प्लाजा मिलता है या रेस्ट एरिया मिलता है तो रुक के थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रिफ्रेश होंगे और फिर आगे जाएंगे। अभी आपने देखा एक रूट अल्बनी की तरफ जा रहा है और एक न्यूयॉर्क और बफेलो की तरफ जा रहा है। अल्बनी न्यूयॉर्क स्टेट की कैपिटल है। जी हाँ, अल्बनी जो सिटी है वो न्यूयॉर्क स्टेट की कैपिटल है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि न्यूयॉर्क सिटी कैपिटल है। जी नहीं, न्यूयॉर्क सिटी एक लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क स्टेट में, बट न्यूयॉर्क स्टेट की कैपिटल जो है वो अल्बनी है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अल्बनी शहर की तरफ, और हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाएंगे अल्बनी सिटी का, एक दिन का टूर भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं बफेलो या नायगरा फॉल्स की तरफ। तो फिलहाल अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे के ड्राइविंग के बाद हम रुके हैं हमारे फर्स्ट ब्रेक पे। जी हाँ, एक रेस्ट एरिया है, सर्विस प्लाजा है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी मैं फ्रेश होके आ गया हूँ, अभी पल्लवी गई है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट, फिर कॉफ़ी लेंगे इस पीछे स्टारबक्स में और फिर हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लगभग हमने लाइक 200 माइल्स कम्प्लीट किया है, तो और 270 माइल्स बाकी है। तो चलते हैं फिर जर्नी में। अभी हम आ गए यहाँ पे स्टारबक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्सी काऊ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो हमने अभी और एक ब्रेक लिया है बीच में, और एक सर्विस प्लाजा पे थोड़े फ्रेश होने आए थे, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं,
जहाँ पे जोल्टार लिखा हुआ है वो भी बोल रहा है ये फॉर्चून टेलर है। जी हाँ, फॉर्चून टेलर। यहाँ पे भी अमेरिका में भी आपका भविष्य बताया जाता है, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं बताता है, यहाँ पे ये मशीन बताती है। हम अभी यहाँ पे एक सर्विस प्लाजा में रुके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्त गेम रखा है, $1 में 1 चांस है, $5 में 7 चांस है। आपको इसके हेल्प से यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको एक उठाना है, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको ये मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे गेम्स रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे पल्लवी ने बताया, हमने और एक ब्रेक लिया है जाते वक्त। अभी हम ऑलमोस्ट 75% पहुँच गए, अभी सिर्फ 25% जर्नी बाकी है, यहाँ से 2 आवर्स का ड्राइव है। तो लास्ट ब्रेक लिया है और अभी हम सीधा मिलेंगे अपने होटल में। तो अच्छा ब्रेक हो गया और यहाँ पे अपने को मैकडॉनल्ड्स मिल गया, तो थोड़े बहुत फ्राइज ले लिए जर्नी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे होटल में। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कितना उजाला है यहाँ पे। यूजुअली US में समर्स में 9 बजे तक उजाला रहता है, तो जब तक हम पहुँचेंगे तो होपफुली हमको उजाला रहेगा और अंधेरा नहीं रहेगा, रात नहीं होगी, तो हम आपको और कुछ रास्ते पे और कुछ सीनरीज दिखा पाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, अभी आखिरी 2 घंटा बचा है ड्राइव का, तो मिलते हैं सीधा होटल में। टाइम अभी 7:41 हुए हैं और इतना अच्छा धूप है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं, अभी नायगरा फॉल्स हम पहुंच गए हैं और नायगरा फॉल्स के पास ही हमारा होटल है क्वालिटी इन, तो वहां पे अभी जाके चेक इन करेंगे हम। वो आपको जो धुएं जैसा क्लाउड जैसा दिख रहा है वो वहाँ पे नायगरा फॉल्स से जो मिस्ट होता है उससे ऐसा वो दिखता है। ये आपको जो दिख रहा है वो मिस्ट से वो होता है। और ये हमारा होटल है जो सामने दिख रहा है क्वालिटी।